Hey guys, this is Abhishek. Welcome to Channel Mushram. और आज की जो वीडियो होने वाली है वो है टॉप 10 न्यू कोरियन मूवी इन हिंदी डब। और जितनी मूवीज है बहुत ही ज़्यादा मास्टरपीस और माइंड ब्लोइंग है, और सभी मूवीज जाके देखना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, सभी मूवीज बहुत ही ज़्यादा मास्टरपीस है। और अगर आपको मेरे लिस्ट की कोई भी मूवी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे मूवी है लव एंड लीसेस। इस मूवी को 6.4 की आईएमडीबी रेटिंग ली है। ये एक अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है को वर्कर जीवो और जीहू की, जो एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं पर कंफेस नहीं करते हैं। पर फिर एक दिन एक मिस्टेक की वजह से जीहू की सेक्सुअल फैंटेसी जीहू को पता चल जाती है। और अब ये फैंटेसी क्या है ये आप ट्रेलर में देख सकते हो। मैं इस मूवी के बारे में सिर्फ यही बोलूंगा कि ये मूवी ना तो ज्यादा अच्छी है ना तो ज्यादा बुरी, पर हाँ ये एक ऐसी 18+ रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसे देखने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो फिर अगर आप भी इस मूवी को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे मूवी है गोल्डन स्लम्बर। इस मूवी को 6.4 की आईएमडीबी रेटिंग ली है। ये मूवी एक परफेक्ट एग्जांपल सेट करती है कि कैसे मीडिया किसी को भी रातों रात स्टार बना सकता है और कंट्री का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भी। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक काइंड हार्टेड डिलीवरी मैन गनवू की, जिसे अभी रिसेंटली एक सेलिब्रिटी सिंगर को रोबरी से बचाने के लिए मॉडल सिटीजन अवार्ड मिला है और इसके बाद से ही वो रातों रात लोगों का हीरो बन गया है। और वो इस बात से अनजान रहता है कि उसके लाइफ का हर मूवमेंट और उसके लाइफ में इन्वॉल्व ऑलमोस्ट सभी इंसान एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। और अब वो प्लान है गनवू को एक बहुत ही सीरियस क्राइम में फंसाना, जिसके बाद से ही पूरे कोरिया की पुलिस फोर्स और एफबीआई गनवू के पीछे पड़ी है। और अभी पूरा प्लान एक्चुअली है क्या और इस डू और डाई सिचुएशन में गनवू खुद को कैसे बचाता है, ये सब जानने के लिए आप देखिए इस सुपर सस्पेंस थ्रिलर मूवी को जो एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। हमारी 8 नंबर पे मूवी है हार्ड हिट। इस मूवी को 6.2 की आईएमडीबी रेटिंग ली है। अगर बात करें इस मूवी के प्लॉट की तो बुरा मत मानिएगा। अगर सपोज करिए कि आप एक दिन अपने घर से कार में निकलते हो और आधी रास्ते में आपको एक अननोन कॉल आता है कि आपकी कार के सभी सीट के नीचे एक ऐसा सेंसर बम लगा है कि अगर कोई भी सीट से उठेगा तो वो बम ब्लास्ट हो जाएगा, और वो अननोन इंसान मजाक नहीं कर रहा है, और आपके कार में आपके दो बच्चे भी हैं जिसमें से एक इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड है कि अगर उसे जल्दी ही हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो उसकी जान चली जाएगी। और अब इस हाईली टेंस सिचुएशन में आप क्या करोगे, और ऐसा ही होता है इस मूवी के लीड कैरेक्टर के साथ। और उसके साथ ये सब कौन कर रहा है और उसका इंटेंशन क्या है, ये सब जानने के लिए आप देखिए इस मूवी को, जिसके बारे में मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि इस मूवी का डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन इतनी ब्रिलियंटली हुआ है कि देखने वाला इस मूवी के सभी टेंशन और सिचुएशन के इंटेंसिटी को फील कर पाता है। और इसी क्वालिटी की वजह से ये एक अमेजिंग सस्पेंस थ्रिलर मूवी बन जाती है, जिसे आप Amazon Prime पर देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे मूवी है इनोसेंस। इस मूवी को 6.6 की आईएमडीबी रेटिंग ली है। ये मूवी लिटरली एक ब्रिलियंट कोर्ट रूम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसकी स्टोरी बहुत सारे ट्विस्ट और मिस्ट्रीज से भरी हुई है। इस मूवी की स्टोरी एक लॉयर जुंगिन की है जिसकी मां पर इल्जाम है कि उसकी मां ने अपने पति के फ्यूनरल पर आए मेयर और उसके पार्टी के लोगों के ड्रिंक में पॉइजन मिलाया था, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई है। और क्राइम सीन पर भी बहुत से सबूत मिले हैं जो जुंगिन के मां को प्राइम सस्पेक्ट बनाता है, पर क्योंकि जुंगिन के मां को अल्जाइमर है जिसकी वजह से उन्हें हादसे के दिन का कुछ भी याद नहीं है, और इसीलिए जुंगिन को लगता है कि उसकी माँ इनोसेंट है और इसलिए वो उन्हें डिफेंड करना चाहती है। तो फिर एक्चुअली में इस मास मर्डर मिस्ट्री के पीछे का असली सच क्या है, ये जानने के लिए आप देखिए Amazon Prime पर अवेलेबल इस मूवी को जो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। टारगेट कौन है? मुझे ऑर्डर मिलता है और मैं असाइन करती हूँ और तुम मार देती हो। हमारी 6 नंबर पे मूवी है द विलनेस। इस मूवी को 6.4 की आईएमडीबी रेटिंग ली है। द विलनेस एक ऐसी मूवी है जो आपको कभी भी बोर नहीं होने देगी। इस मूवी में आपको बहुत ही इंटेंस सस्पेंस, ब्रूटल एक्शन और बहुत सारा ट्विस्ट मिलेगा। मूवी में स्टोरी दिखाई गई है सुखी की, जो एक वेल ट्रेंड किलिंग मशीन है, और सुखी का बहुत ही डिजास्ट्रस पास्ट था, पर अब वो एक सिंगल मदर है जिसकी बेटी चाइल्ड फैसिलिटी में पल रही है, और वो 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर एक इंटेलिजेंट एजेंसी के लिए एज अ स्लीपर एजेंट काम कर रही है। और 10 साल के बाद जब वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लगती है तभी उसके पास्ट से रिलेटेड बहुत सारा डार्क सीक्रेट रिवील होने लगता है, जिसका कनेक्शन सुखी के फादर और हस्बैंड के मर्डरर से होता है। और अब इसके आगे इस मूवी में क्या होता है, ये जानने के लिए आप देखिए इस प्रॉपर एक्शन पैक्ड मूवी को, जिसे आप Amazon Prime पर देख सकते हो। हमारी 5 नंबर पे मूवी है एस्केप फ्रॉम मोगादिशु। इस मूवी को 7.1 की आईएमडीबी रेटिंग ली है। ये मूवी ट्रू इवेंट पर बेस्ड एक बहुत ही हार्ड वार्मिंग वॉर थ्रिलर मूवी है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है मोगादिशु सिटी की, जहां सिविल वॉर शुरू हो गया है और वहां कुछ डिप्लोमेट्स फैमिलीज बहुत बुरी तरीके से फंस गई है, और वो भी बहुत कम रिसोर्स के साथ, और उनके पास कम्युनिकेशन का कोई भी सोर्स नहीं है, और यहां तक दोनों कोरियन कंट्रीज के गवर्नमेंट भी उन्हें कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं कर रही है। और अब वहां फंसे लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वो लोग जैसे तैसे मोगादिशु शहर से भाग निकलें। तो अब आगे इस मूवी में क्या होता है और क्या वहाँ फंसे लोग खुद को बचा पाते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए आप देखिए Amazon Prime पर अवेलेबल इस मूवी को, जो ट्रू इवेंट पर बेस्ड एक बहुत ही लाजवाब इंस्पायरिंग सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है।
हमारी फोर्थ नंबर पे मूवी है मेमोरीज ऑफ मर्डर। इस मूवी को 8.1 की IMDb रेटिंग ली है। ये मूवी 2003 की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक थी और इस मूवी को देखने के बाद मेरा भी रिएक्शन यही था कि ये मूवी साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर जेनर पर बेस्ड 100% मास्टरपीस मूवी है। जिसकी स्टोरी सेट है ईयर 1986 में, जहां एक सीरियल किलर 8 लड़कियों को बहुत ही ब्रूटली रेप और मर्डर करके उनकी बॉडी को फेंक देता है। और अब इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं 2 डिटेक्टिव, पार्क दो और चो योंग। और इसके आगे स्टोरी में स्पॉइलर की वजह से नहीं बता सकता हूं, पर जो बता सकता हूं वो ये है कि ये मूवी लिटरली एक आउटस्टैंडिंग मूवी है जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है और प्रोफानिटी से भरी हुई है। और इसलिए अगर आप 18 प्लस हो तभी इस मूवी को देखना। हमारी थर्ड नंबर पे मूवी है पुलिसमैन्स लाइनेज। इस मूवी को 6 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक बहुत ही अमेजिंग मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मूवी में स्टोरी दिखाई गई है 2 पुलिस ऑफिसर मिनजेही और कोंगयुन की। कोंगयुन जो इन्वेस्टिगेशन टीम का लीडर है और उसका सिर्फ एक ही माइंडसेट है कि केस सॉल्व होना चाहिए, चाहे उसके लिए लीगल मेथड यूज करना पड़े या फिर इनलीगल। और वहीं मिनजेही का माइंडसेट ये है कि चाहे क्रिमिनल हो या ऑफिसर, वो कुछ इनलीगल काम करता है तो उससे क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना चाहिए। और इसी वजह से मिनजेही को स्पेशल फोर्स से एक सीक्रेट मिशन मिलता है कि वो कोंगयुन के अंडर काम और उसके इनलीगल काम को इन्वेस्टिगेट करे। पर उसी दौरान डिपार्टमेंट के पास एक ऐसा बड़ा केस आता है जो पूरे डिपार्टमेंट को हिला कर रख देता है। और अब इन 2 कम्प्लीटली डिफरेंट ऑफिसर को एक साथ आकर इस केस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब ये केस है क्या और इस केस को सॉल्व करने में इन दोनों में से किसका पर्सपेक्टिव काम आता है, ये जानने के लिए आप देखिए इस मूवी को। हमारी सेकंड नंबर पे मूवी है डोर लॉक। इस मूवी को 6.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये मूवी साइकोपैथ मिस्ट्री थ्रिलर जेनर पर बेस्ड एक स्टनिंग मूवी है जिसकी स्टोरी बहुत सेंसिटिव है और इसलिए मैं इस मूवी की स्टोरी बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। मूवी में स्टोरी दिखाई गई है क्यूमिन की, जो अपने स्टूडियो के अपार्टमेंट में अकेले रहती है और एक दिन जब वो अपने रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके डोर लॉक को किसी ने जबरदस्ती खोलने की कोशिश की है। और फिर उसी रात जब वो सोने लगती है तो वो नोटिस करती है कि कोई जबरदस्ती उसके डोर को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए वो पुलिस को फोन करती है, पर पुलिस कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है और इसी वजह से वो खुद ही इस डोर लॉक केस को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। और इसके बाद क्यूमिन के साथ क्या होता है ये जानने के लिए आप देखिए इस मूवी को। हमारी फर्स्ट नंबर पे मूवी है अलाइव। इस मूवी को 6.3 की IMDb रेटिंग ली है। अगर आप लोगों ने रिसेंटली ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज देखी होगी, अगर आपको ऐसा ही एक आउटस्टैंडिंग सर्वाइवल थ्रिलर कंटेंट देखना चाहते हो तो ये मूवी आप लोगों के लिए बेस्ट होगी। मूवी की स्टोरी में एक वायरल इन्फेक्शन सियोल के पॉपुलेशन में बहुत तेजी से फैल रहा है जिसकी वजह से आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जॉम्बीज की तरह बन गई है। और यहीं से मूवी की स्टोरी मेनली रिवॉल्व करती है जुनू और युविन के अराउंड, जो अपने अपार्टमेंट में बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स के साथ फंस गए हैं और अभी दोनों कैसे खुद को इन्फेक्टेड लोगों से बचाते हैं ये जानने के लिए आप देखिए इस अमेजिंग सर्वाइवल थ्रिलर मूवी को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो बनाए यार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट करके जाना। और मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन मूवी देखना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।